विशाल गुड इवनिंग जल्दी से आप लोग एक बारी शेयर कर दो ग्रुप में जिस भी ग्रुप में आप लोग ऐड हो सभी को शेयर कर दो एक बारी मन शहरावत गुड इवनिंग राम राम जल्दी से शेयर कर दीजिए आप सभी बच्चे हेलो एवरीवन वेलकम टू अन अकेडमी क्रैक एस एस सी एक्जाम विद इंडिया लर्निंग प्लेटफॉर्म लेट्स क्रैक एस एस एग्ज़ाम अभी तक जिस भी बच्चे ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गया है सारे बच्चे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए यहाँ पर रात को नाइन पी एम पर डेली मेरी क्लास होती है तो डेली आप सभी को रात को नौ बजे आना है तो जिस भी बच्चे ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सभी कर लो और वीडियो को लाइक भी कर दो और शेयर भी कर दो और मेरा नाम वर्षा सिंह है अभी तक तो आपको पता चल ही चुका होगा और मैं आपकी जी ए जी एस की मेंटर हूँ बाकी चीज़ें मेरे बारे में यहाँ पे लिखी हुई है ऑलरेडी और आप सभी बच्चे इस टेलीग्राम के लिंक से भी जुड़ जाओ ताकि आपको क्लासेस की सारी अपडेट मिले नोटिफिकेशन मिले क्लासेस की सारी पी मिल जाए और आप सभी बच्चे टाइम टेबल को फॉलो करिए आप अपना आप अपने अकॉर्डिंग एक टाइम टेबल बनाइए जिसको फॉलो करके आप अपने एग्ज़ाम की प्रिपरेशन जल्द से जल्द कर सकेंगे और व्हाट यू विल गेट हेयर आपको यहाँ पे क्या क्या चीज़ें मिलती हैं अगर आप सारे अन का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलेंगे डेली लाइव क्लासेस जहाँ पर आप अपने एजुकेटर के साथ इंटरेक्ट करते हैं उनसे अपने डाउट को डिस्कस करते हैं साथ ही आपको मिलेगा स्ट्रक्चर्ड कोर्स जो भी आपके एग्जाम का सिलेबस है पैटर्न है जो भी आपके सब्जेक्ट कवर होते हैं वो हम आपको कंप्लीट करवाएंगे, साथ ही आपको मिलता है लाइव टेस्ट एंडक्विजेज जिसकी मदद से आप अपनी परफॉर्मेंस को इवेलुएट करेंगे आप अपने वीकर पॉइंट पे काम करेंगे किस पे आपको ज्यादा टाइम देना है कौन से सेक्शन पे किस पे कम देना है ये चीज़ें आपको इसी के थ्रू पता चलती है। और साथ ही आपको मिलता है अनलिमिटेड एक्सेस एक 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 बार ही आपको बस सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन लेना है उस एक के अंदर आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी आप किसी भी फैकल्टी से पढ़ सकते हो कोई सा भी सब्जेक्ट पढ़ सकते हो और कभी भी पढ़ सकते हो आप में से जिस भी बच्चे ने अभी तक अनडमी के लर्निंग ऐप को इंस्टॉल नहीं किया है सारे बच्चे जल्दी से आपको इंस्टॉल कर लीजिए और जिसने कर रखा है वो अपने दोस्तों को बोलिए कि वो भी इसको इंस्टॉल कर ले ताकि वो भी इसकी फ्री क्लासेस अटेंड कर पाए और जिसके पास भी सब्सक्रिप्शन नहीं है सब्सक्रिप्शन ले लो जो कि आपके डिफरेंट डिफरेंट मंथ में अवेलेबल है लेकिन मैं बाकी मंथ्स की बात नहीं करती क्योंकि जो भी बिगिनर है जिसने तैयारी अभी शुरू की है या जिसको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है उसके लिए ये सारे मंथ सही नहीं होंगे उनको कम से कम एक या दो साल का प्लान लेना चाहिए क्योंकि एसएससी का जो एग्ज़ाम है काफ़ी टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है ये सारे प्लान्स आपके उन बच्चों के लिए हैं जो ऑलरेडी अपना पूरा सिलेबस कंप्लीट कर चुके हैं जिनको प्रैक्टिस करने के लिए केवल चाहिए या फिर केवल जिनको रिवीजन के लिए चाहिए जो बिगनर्स हैं उन सभी स्टूडेंट को हमेशा बारह या चौबीस महीने का प्लान लेना चाहिए जैसा कि आप देख पाएंगे जो 12 और 24 महीने का प्लान है वो बाकी प्लान के कंपैरिजन में इसकी जो पर मंथ कॉस्ट है वो बहुत कम है पर मंथ कॉस्ट इसकी 500 है इसकी तीन सौ है लेकिन जैसे ही आप इस कोड को इंसर्ट करते हैं वर्षा को बी ए आर एस एच ए आपको टेन परसेंट का एडिशनल डिस्काउंट मिल जाएगा तो आपकी पर मंथ कॉस्ट यहाँ पे बैठती है फोर पर मंथ और यहाँ बैठेगी ये टू पर मंथ तो इतना तो आप आराम से खा पी जाते हो पैसों का तो इससे अच्छा सब्सक्रिप्शन ले लो जो आपके आगे करियर में हेल्प करेगा तो अभी हम वीकली करेंट अफेयर डिस्कस करेंगे डिस्कस क्या करेंगे ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं बस एक तरीके से आपका रिविजन होगा ये रैपिड फायर होगा तो जल्दी जल्दी आंसर देना सभी नमस्ते राकेश हर्षिल नमस्ते ठीक है अभी सारे बच्चे जिसने सब्सक्रिप्शन ले रखा है अच्छी बात है जिसने नहीं लिया है वो ले लो ठीक है और रैपिड फायर होगा जल्दी जल्दी आपको आंसर देना है अनुभव हाई ठीक है चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट व्हेन इज द इंडियन आर्मी डे ऑब्जर्व भारतीय सेना दिवस कब मनाया जाता है जल्दी से आंसर दो हर्षिल राधे कृष्णा प्रताप गुड इवनिंग संदीप हाय पंकज दुबे हाय क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बाबा शंकर अक्षय मन शुभाशीष सभी का आंसर बी है एंड बी इज द करेक्ट आंसर आर्मी डे हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं 15th जनवरी को और इस बार ही हमने आर्मी डे का कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया है 73rd एडिशन ठीक है कौन सा एडिशन सेलिब्रेट किया है 73rd एडिशन हमने सेलिब्रेट किया है इसके साथ ही साथ आपके आर्मी के चीफ कौन है मनोज मुकुंद नरावने मनोज मुकुंद नरावने हैं आपके आर्मी के चीफ ठीक है तो आर्मी डे पंद्रह जनवरी को हम हर साल सेलिब्रेट करते हैं इस बार हमने सेवेंटी थर्ड एडिशन इसका सेलिब्रेट किया है एंड चीफ कौन है मनोज मुकुंद नरावने हैं इंडियन आर्मी के इंडियन एयरफोर्स के कौन है और इंडियन नेवी के कौन है आप लोग बता दो जल्दी क्वेश्चन नंबर सेकंड द जापानीज ब्रोकरेज नोमोरा हैज रिवाइज्ड अपवर्ड द जीडीपी फोरकास्ट फॉर इंडिया इन 2020 टू टू 2021 एंड नाउ इट कॉन्ट्रैक्ट टू डैश परसेंट जापानी ब्रोकरेज नोमोरा ने 2021 में भारत के लिए सकेल घरेलू उत्पाद का पूर्वानुमान ऊपर संशोधित किया है और अब यह उम्मीद करता है कि कितना हो जाएगा ए 6.7 बी 7.7 सी 8.7 एंड डी 9.7 करमवीर सिंह नेवी के बिल्कुल करेक्ट और आर्मी के कौन है आर्मी के राकेश कुमार सिंह भदौरिया बिल्कुल करेक्ट है क्वेश्चन नंबर सेकंड का सारे बच्चों का आंसर बी आ रहा है अरे मैंने नोमोरा के अकॉर्डिंग पूछा है केवल प्रतीक सिन्हा का आंसर ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर सिक्स पॉइंट सेवन परसेंट मैंने नोमोरा के अकॉर्डिंग पूछा है कि उसकी करंट प्रिडिक्शन कितनी है कि कितना होगा इंडिया का जीडीपी तो वो होगा सिक्स और नोमोरा तो आप सभी जानते होंगे कि ये जापान का है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है टोक्यो में इसका हेडक्वार्टर है टोक्यो में और ये स्टैब्लिश कब हुआ था 25 दिसंबर 25 दिसंबर 1925 को 25 दिसंबर 1925 को ये स्टैब्लिश हुआ था क्वेश्चन नंबर थर्ड विच ऑफ द फॉलोइंग है सेट अप अ वर्किंग ग्रुप टू स्टडी डिजिटल लेंडिंग एक्टिविटीज ऑफ द रेगुलेटेड एंड अनरेगुलेटेड प्लेयर्स ड्यू टू द ग्रोइंग इंस्टेंसेज ऑफ फ्रॉड इन डिजिटल लेंडिंग स्पेस डिजिटल ऋण स्थान में धोखाधड़ी की बढ़ती घटनाओं के कारण <coughs> और अनियमित खिलाड़ियों की डिजिटल ऋण गतिविधियों का अध्ययन करने के लिए निम्नलिखित तो में से किसने एक कार्यकाल की स्थापना की है ए नाबार्ड बी सी आरबीआई हाँ एयरफोर्स के राकेश कुमार सिंह भदौरिया है बिल्कुल करेक्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड का सारे बच्चे का आंसर ठीक है सी बिल्कुल आरबीआई ने एक कमेटी सेटअप की है ठीक है जिसको चेयर कौन करेंगे जयंत कुमार दास जयंत <coughs> कुमार दास इसको चेयर करेंगे इस कमेटी को लीड करेंगे ये आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है जयंत कुमार कौन है आरबीआई के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है ये छह मेंबर की कमेटी होगी ठीक है सिक्स मेंबर की कमेटी होगी जिसमें चार मेंबर तो होंगे आपके इंटरनल से होंगे और दो मेंबर होंगे एक्सटर्नल आरबीआई के बाहर के होंगे ठीक है तो ये छह मेंबर की कमेटी बनाई जा रही है जिसको चेयर करेंगे जयंत कुमार दास तो आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि इस कमेटी को चेयर कौन करेगा तो जयंत कुमार दास जिसको चेयर करेंगे जो कि एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर है आरबीआई के क्वेश्चन नंबर फोर्थ डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड डेवलप्ड बाय टफ्ट यूनिवर्सिटी फ्लेचर स्कूल इन पार्टनरशिप विद ए मास्टर कार्ड वी वीजा सी पेटीएम एंड डी अमेज़ॉन डिजिटल विकास स्कोर कार्ड के साथ साझेदारी में टफ्ट विश्वविद्यालय के फ्लेचर स्कूल द्वारा विकसित जो इंडेक्स रिपोर्ट तैयार किया गया है उसमें किसके साथ पार्टनरशिप किया है शरद थोड़ा स्लो चलूं फोर्थ का फोर्थ का सभी बच्चे का आंसर ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर मास्टर कार्ड ठीक है? इसने मास्टर कार्ड के साथ एक पार्टनरशिप करके डिजिटल इंडेक्स निकाला है डिजिटल इंडेक्स निकाला है जिसमें हर एक कंट्री की इकोनॉमी को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है एक ब्रेकआउट में ब्रेकआउट स्टॉल आउट डिजिटल इंटेलिजेंस इंडेक्स डिजिटल इंटेलिजेंस इंडेक्स ये मिलके एक रिपोर्ट तैयार करेंगे जिसमें इकोनॉमीज़ को चार कैटेगरी में डिवाइड किया है ब्रेकआउट इकोनॉमी, इकॉनमी स्टोलआउट इकॉनॉमी स्टैंड आउट इकोनॉमी स्टैंड आउट इकॉनमी एंड चौथा है आपका वॉच इकोनॉमी, वॉच आउट इकॉनॉमी ठीक है कौन सी कंट्री डिजिटली कितना अपने आप को इंप्रूव कर रही है कितना ज़्यादा साउंड है उस बेसिस पे इसको डिवाइड किया गया है तो इंडिया कौन सी इकॉनॉमी में आता है इसमें ब्रेकआउट इकॉनमी के अंदर ठीक है इंडिया कौन सी कैटेगरी में आता है ब्रेकआउट इकॉनॉमी के अंदर आता है जिसमें कि इंडिया अपने आप को बहुत जल्दी इंप्रूव कर तो रहा है लेकिन अभी तक वो सारे पैरामीटर्स को टच नहीं कर पाया जितना कि डेवलप्ड कंट्री करते हैं तो इसीलिए इंडिया ब्रेकआउट इक, ब्रेकआउट इकॉनमी के अंदर आता है और इसमें ब्रेकआउट इकॉनॉमी में टॉप किसने किया है ब्रेकआउट इकोनॉमी में चाइना ने टॉप किया है ठीक है उसके बाद इंडिया टॉप किया है चाइना ने उसके बाद इंडिया की पोजीशन आती है ब्रेकआउट ब्रेकआउट में क्वेश्चन नंबर कंट्री हैज द द इन थर्ड एडिशन ऑफ द डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड डिजिटल इवोल्यूशन स्कोर कार्ड के तीसरे संस्करण में किस देश ने ब्रेकआउट अर्थव्यवस्थाओं में टॉप किया है ए सिंगापुर बी साउथ कोरिया सी चाइना एंड डी हांगकॉन्ग इसका तो आंसर मैंने आपको बता ही दिया भास्कर मेरा नाम वर्षा है वर्षा सिंह सभी का आंसर सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर मैंने अभी अभी आपको बताया था कि चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है जिसमें कि ब्रेकआउट इकोनॉमी में चाइना ने टॉप किया है और आपको केवल ब्रेकआउट इकोनॉमी को पढ़ना है बाकी किसी को पढ़ना भी नहीं है क्वेश्चन नंबर सिक्स अमंग द फॉलोइंग इंडिया रिटेल इन्फ्लेशन हैज कम डाउन टू व्हाट परसेंट इन दिसंबर भारत की खुदरा मुद्रा स्फीति के बाद दिसंबर में किस प्रतिशत प्रतिशत तक आ जाएगी ए फाइव बी फोर पॉइंट एट जीरो सी फोर पॉइंट फाइव नाइन एंड डी सिक्स पॉइंट थ्री फोर अगर आप सभी बच्चों को यहां पे किसी के कमेंट बेकार लगते हैं मैं भी आज से ये चीज फॉलो करती हूँ और आप लोग भी फॉलो करिए अगर आपको किसी के भी कमेंट बेकार लग रहे हैं तो जो बकवास इंसान है वहां पे वो बकवास करने आएंगे तो आप उस पर अपना टाइम वेस्ट मत करो आप अपना आंसर देते रहो ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स का सभी बच्चों का सी तो जिस भी बच्चे का सी है शुभाशीष ज्योति रामेंद्र सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है फोर पॉइंट फाइव नाइन इज द करेक्ट आंसर ठीक है क्वेश्चन नंबर सिक्स का क्या होगा सी इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सेवंथ अमंग द फॉलोइंग विच स्टेट कैन बिकम द मेजर स्टेट ऑफ इंडिया इन प्रोड्यूसिंग वेंडियम निम्नलिखित में से कौन सा राज्य वेंडियम उत्पादन में भारत का प्रमुख राज्य बन सकता है ए मणिपुर बी अरुणाचल प्रदेश सी त्रिपुरा एंड डी आसाम भास्कर टेलीग्राम का लिंक है एट द रेट एस एस सी ये सर्च कर लेना टे, टेलीग्राम पे मिल जाएगा या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो आपको वहां पे भी मिल जाएगा सभी का आंसर छोटे लाल हर्ष हेमंत इन सभी का आंसर बी है एंड बी इज द करेक्ट आंसर वैंडियम क्या होता है एक मिनरल होता है जिसको हम बी से रिप्रेजेंट करते हैं ठीक है थीके? इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बी से रिप्रेजेंट करते हैं इसका एटोमिक नंबर क्या होता है ट्वेंटी थर्ड क्वेश्चन नंबर 8 अमंग द फॉलोइंग भारत बायोटेक है टाइड अप विद प्रेसिका मेडिकेंट्स टू तो गिव गिव कोवैक्सीन टू तो विच कंट्री निम्नलिखित तो भारत बायोटेक ने किस देश को कोवैक्सीन देने के लिए प्रेसिका मेडिकेंट्स के साथ करार किया है ए ब्राजील बी इजराइल सी इटली एंड डी जर्मनी रमसा अगर आप करंट अफेयर आपके जिस भी एग्जाम में आते हैं उसमें ये आपको हेल्प करेगा आपको ये बार बार पूछने की जरूरत नहीं है ठीक है क्वेश्चन नंबर एट एट का ज्योति सलमा प्रतीक सभी का आंसर ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर ब्राजील के साथ भारत बायोटेक ने पार्टनरशिप किया है कि वो उसको कोवैक्सीन देगा ठीक है आप सभी जानते हैं कि कोवैक्सीन किसने डेवलप किया भारत बायोटेक ने डेवलप किया इसके अलावा एक और वैक्सीन है जो आप अप्रू, वो अप्रूव हुई है वो है कोविशील्ड ठीक है कोविशील्ड इसको किसने बनाया है इसको बनाया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने इसको बनाया है एंड अभी आपके ड्रग कंट्रोलर कौन है डीजीसीआई कौन है बीजी सोमानी बीजी सोमानी कोई भी जो वैक्सीन वगैरह अप्रूव होती है वो यही अप्रूव करते हैं ठीक है थीके? जो डीजीसीआई होता है वही किसी भी वैक्सीन को अप्रूव करता है तो अभी आपके डी कौन है बीजी सोमानी है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ डोनाल्ड ट्रंप हैज बिकम द फर्स्ट यूएस प्रेसिडेंट टू बी इम्पीच्ड ट्वाइस ही फर्स्ट इन ईयर डोनाल्ड ट्रंप पहले अमेरिकी राष्ट्रपति बन गए हैं जिन पर दो बार महाभियोग चलाया गया है उस पर पहले किस वर्ष पर महाभियोग चलाया गया था पहली बार उनको कम इम्पीच किया गया था हाँ आधार पूना वाला सी सीरम इंस्टीट्यूट के बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का सारे बच्चे का आंसर सी आ रहा है लेकिन सी इसका गलत आंसर है करेक्ट आंसर इज डी 2019, 2019 में एक बार इनके ऊपर इम्पीचमेंट किया गया था और अभी एक बारी किया गया है 2021 में ये पहले ऐसे राष्ट्रपति बन गए हैं जिनके ऊपर दो बारी यूएस के बन चुके हैं जिनके ऊपर दो बारी महाभियोग चलाया गया इसके अलावा दो और यूएस के प्रेसिडेंट हैं जिन पे ये चलाया गया एक तो है बिल क्लिंटन और एक है एंड्रियो ठीक है इन दोनों पे भी इम्पीचमेंट महाभियोग चलाया गया था एंड्रियो जॉनसन एंड बिल क्लिंटन पे तो तीसरे बन चुके हैं वैसे ये तीसरे बन चुके हैं यूएसए के लेकिन दो बार पे लगाया गया है उस हिसाब से ये पहले है ठीक है क्वेश्चन नंबर 10th द फर्स्ट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल ऑफ इंडिया विल पे अ ट्रिब्यूट बाय स्क्रीनिंग फाइव क्लासिक्स ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग पर्सन किस uh, किस डायरेक्टर की पांच क्लासिक मूवी को ट्रिब्यूट किया दिया जाएगा 51st इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में ए उत्पल दत्त बी अपर्णा सेन सी सत्यजीत रे एंड डी ए रहमान प्रिया हाय अनिकेत हाय क्वेश्चन नंबर टेंथ का सभी बच्चों का आंसर सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर इनकी पांच मूवी को दिया जाएगा और आपको वो पांच मूवीज याद रखना है क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे पूछा जा सकता है क्वेश्चन दे दिया जाएगा और आपको चार ऑप्शन दिए जाएंगे जिसमें से तीन इनकी मूवीज होगी और एक नहीं होगी तो आपको चुनना होगा कि कौन सी मूवी नहीं है ठीक है तो एक तो इनकी है शतरंज के खिलाड़ी शतरंज के खिलाड़ी इसके अलावा एक है घरे बहरे ऐसी ही मूवी का नाम है एक कुछ केला करके मूवी है इसके अलावा एक है चारू लता, चारु लता और पांचवी मूवी जो है वो मुझे खुद ही याद नहीं है ठीक है चार मूवी मुझे याद है पांचवी मुझे खुद ही याद नहीं है तो फिर भी आप पांचों मूवीज को याद कर लेना क्योंकि आपके एग्जाम में ये चार मूवीज के ऑप्शन दे देंगे तीन उनमें से सही होंगे और एक गलत होगा क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ हाउ मेनी इंडियन कंपनीज एव फाउंड प्लेस अमंग हुरन ग्लोबल 500 लिस्ट ऑफ 2020 2020 के लिए हुन ग्लोबल 500 सूची में कितनी भारतीय कंपनी को जगह मिली है ए नौ बी ग्यारह सी तेरह एंड डी पंद्रह गणपत लाल गुड इवनिंग दिनेश गुड इवनिंग सुभाषीष गुड इवनिंग क्वेश्चन नंबर इलेवंथ 11th का सभी बच्चों का आंसर बी है और जिसका भी आंसर ए और सी है बिल्कुल गलत है करेक्ट आंसर इज बी 11 इंडिया की 11 कंट्रीज है जो होरन लिस्ट में आ गई है टॉप हंड्रेड टॉप 500 कंपनीज में वैसे अगर आप वर्ल्ड वाइड देखोगे तो इसमें टॉप किया है एप्पल ने एप्पल की रैंक फर्स्ट है सेकंड पे आपका कौन है माइक्रोसॉफ्ट माइक्रोसॉफ्ट एंड Amazon ठीक है और थर्ड पे आपका कौन है अल्फाबेट जो कि आपकी गूगल की पेरेंट कंपनी है अल्फाबेट इसके अलावा इंडिया की टॉप इलेवन इलेवन कंपनी कौन सी है सबसे फर्स्ट नंबर पे है रिलायंस रिलायंस इंडिया जिसकी रैंक है फिफ्टी उसके बाद है आपका टीसीएस टाटा कंसल्टेंसी सर्विस जिसकी रैंक है 73 उसके बाद आपका थर्ड पे आता है एच जिसकी रैंक है 105 ठीक है ये तीन की रैंक याद रखना उसके आगे याद है मत रखना ये तीन हो गए इसके अलावा आपका आता है बजाज इन्फोसिस बजाज इन्फोसिस आईसीआईसीआई टीसीएस सॉरी आईटीसी बजाज इंफोसिस आईसीआईसीआई आईटीसी हिंदुस्तान यूनिलीवर एक दो तीन चार पांच छह सात आठ हो गए तीन कौन से रह गए हिंदुस्तान यूनिलीवर बजाज इन्फोसिस आईसीआईसीआई, आईटीसी, टी हो गया कोटक और दो कौन से रह गए बताना बताना दो कौन से रह गए रिलायंस टीसीएस एच डी एफ सी बजाज इन्फोसिस आईसीआईसीआई, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलिवर कोटक एक हो गया आपका भारती एक भारतीय हो गया और एक और कोई रह रहा है कौन सा रह रहा है इसमें से मालूम है किसी को पतंजलि नहीं है पतंजलि नहीं है बिल्कुल भी नहीं पता तो मैं बाद में बता दूंगी टीसीएस एच डी एफ सी बजाज इन्फोसिस आईसीआईसीआई आई आए, टी सी कोटक भारती एक और कोई रह रहा है पता नहीं कौन सा रह रहा है मुझे याद नहीं आ रहा क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ बिच कंपनी इज द वर्ल्ड्स मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी अकॉर्डिंग टू ट्वेंटी ट्वेंटी हुरन ग्लोबल फाइव हंड्रेड लिस्ट अभी अभी मैंने आपको इसका आंसर बता दिया तो जल्दी से बताइए महिंद्रा भी नहीं है कोटक तो मैंने बता दिया कोटक महिंद्रा मैंने लिख दिया है वहां पर ऑलरेडी टाटा भी लिख चुकी हूँ मैं ऑलरेडी 12th का सभी का विप्रो वाह आ गया सभी का आंसर आ रहा है एप्पल एंड एप्पल इज द करेक्ट आंसर एप्पल की रैंक फर्स्ट है इन दोनों की रैंक सेकंड है और इसकी रैंक है फोर्थ ठीक है थर्ड सॉरी क्योंकि इन दोनों की वेल्थ सेम है क्वेश्चन नंबर थर्टीन इंडिया इंडियन आर्म फोर्थ सेलिब्रेटेड फिफ्थ वेटरन डे ऑन फोर्टींथ जनवरी नेम द फर्स्ट कमांडर इन चीफ ऑफ इंडियन आर्म फोर्स हु रिटायर्ड ऑन दिस डे ए के एम करियप्प्पा बी राजेंद्र सिंह जी जडेजा सी एस एम श्रेंगेश एंड डी वी वी गिरी सभी का आंसर ए है ए इज द करेक्ट आंसर ठीक है ये पहले कमांडर इन चीफ थे जो रिटायर किए थे कब 1953 में कौन से ईयर में 1953 में और इसी साल इंडियन आर्मी ने स्वर्णिम स्वर्णिम विजय वर्ष भी मनाया स्वर्णिम विजय वर्ष भी मनाया क्यों मनाया ये स्वर्णिम विजय वर्ष इसीलिए क्योंकि 1971 में जो इंडिया ने पाकिस्तान को हराया था उसके 50 साल हो गए इसीलिए इस बार इंडियन आर्मी ने

जब नितिन गडकरी ने अनाउंस किया था कि इंडिया में टेस्ला आ रही है तो अब टेस्ला ने कहाँ पे अपनी वो पहला वो खोलेगी सब्सिडरी ए अहमदाबाद बी न्यू दिल्ली सी हैदराबाद डी बेंगलुरु सभी का ए बाबा शंकर का डी प्रतीक का डी अर्श का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर ठीक है टेस्ला अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे खोल रही है मैन्युफैक्चरिंग यूनिट कहाँ पे खोल रही है बेंगलुरु में स्टार्ट कर रही है और टेस्ला के सीईओ कौन है एलन मस्क एलन मस्क जो इसके फाउंडर भी हैं और टेस्ला का हेडक्वार्टर कहाँ पे है कैलिफोर्निया में और ये स्टैब्लिश कौन सी ईयर में हुआ था जुलाई दो में जुलाई दो में टेस्ला स्टैब्लिश हुआ था और स्पेस एक्स के भी सीईओ कौन है

ए अशोक कुमार सेन बी दुष्यंत दावे सी राम, जेठा मलानी एंड डी पवानी परामेश्वरा राव हाँ जानवी डी है आपका आंसर बिल्कुल ठीक है डी इज द करेक्ट आंसर कोमल गुप्ता सीईओ बनना तो आपके हाथ में है आपके अंदर कितना टैलेंट है आप उसके अकॉर्डिंग बन पाओगे

क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन का सभी का आंसर आ रहा है निशु का ए अक्षय का ए और हर्षिल का ए एंड ए इज द करेक्ट आंसर स्विच आपसे ऐसे भी इस क्वेश्चन को एग्जाम में पूछा जा सकता है कि इंडियन आर्मी हैज रिसेंटली इंकड यूएसडी ट्वेंटी मिलियन डील विद इंडिया फोर्सेस टू बाय स्विच यूएवी स्विच यहां पे लिखा होगा उसमें फिर आपसे यह पूछ लेगा कि यूएवी की फुल फॉर्म क्या होती है या फिर यूएवी में यू का मतलब क्या हुआ ए का मतलब क्या हुआ या वी का मतलब क्या हुआ तो इसकी फुल फॉर्म भी याद रखना इसकी फुल फॉर्म होती है अनमैंड एरियल वाहकिल एरियल वाहकिल इसकी फुल फॉर्म होती है और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है यू ए वी की फुल फॉर्म इसलिए बता रही हूँ

अगर एयर फोर्स का पूछ ले एयर फोर्स का तो एयर फोर्स का भी याद रखना कौन सा एडिशन इस बार हुआ 8 अक्टूबर को 8 अक्टूबर को एयर फोर्स का कौन सा एडिशन था आर्मी एयर फोर्स डे का 88 एयर फोर्स का 88 एडिशन था ये भी याद रख लेना 18 थ अमंग द फॉलोइंग डॉक्टर अजय कुमार हैज जॉइंटली चेयर्ड द डिफेंस सिक्योरिटी डायलॉग बिटवीन 13 इंडिया एंड व्हिच कंट्री आंसर दीजिए क्वेश्चन नंबर मंडल बी संतोष कुमार डी अंकित का डी एंड डी इज़ द करेक्ट आंसर वियतनाम आप लोगों को क्या साफ दिखाई नहीं दे रहा है क्या एक बार कोई कमेंट करके बताओ क्योंकि अगर कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो मुझे फिर बताना पड़ेगा क्लियर दिख रहा है आप सभी को ये बताइए देवराजपूत गुड इवनिंग क्वेश्चन <coughs> नंबर नाइनटीन फॉलोइंग विच स्पेस एजेंसी विल लॉन्च द मोस्ट पावरफुल रॉकेट स्पेस लॉन्च NASA. सी D. एंड सब ठीक है ना आधे बच्चे बोल रहे हो दिख रहा है आधे बच्चे बोल रहे हो नहीं दिख रहा है तो एक जो सही बात है वो बोलो कि क्लियर दिखाई देता है या नहीं देता है और सभी का आंसर सी है एंड सी इज द करेक्ट आंसर नासा और अभी मैं यहाँ पे आपको वही क्वेश्चन करवा रही हूँ जो मैं ऑलरेडी आपको करवा चुकी हूँ इसीलिए यहाँ पे ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करूंगी जहां पे जरूरत लगेगी वहीं पे करूंगी क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्टेट गवर्नमेंट हैज रिसेंटली अ स्कीम टू प्रोवाइड फ्री इलेक्ट्रिसिटी टू एग्रीकल्चर सेक्टर ए त्रिपुरा बी उड़ीसा सी केरला एंड डी आंध्र प्रदेश क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी 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 क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का बताओ अर्श का डी है एंड प्रतीक का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश सरकार जितने भी फार्मर्स होंगे उनको फ्री में इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करेगी और आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है बी एस येद्यूरपा है ना आंध्र प्रदेश के बी एस येद्युरप्पा है वाई एस जगनमोहन रेड्डी आंध्र प्रदेश के सीएम है वाई एस जगनमोहन रेड्डी एंड गवर्नर कौन है विश्वभूषण हरिचंदन विश्वभूषण हरिचंदन अभी मैंने बोल दिया ना बी एस येदुरप्पा तो आधे बच्चे ने मान भी लिया होगा कि बी एस येदुरप्पा जगनमोहन रेड्डी सीएम है एंड गवर्नर कौन है विश्वभूषण हरिचंदन क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन वेयर इज द द्वार्टर ऑफ टेस्ला इंक्लूसिव लोकेटेड ए कैलिफोर्निया बी लंडन सी पेरिस एंड डी सिंगापुर ये भी अभी बता ही दिया था आंसर हाँ बी एस येदुरप्पा कर्नाटका के है अवज्जू भाई वल्ला वहां के गवर्नर है प्रतीक मैं तो कुछ भी बोल सकती हूँ तुम लोगों को अपने ऊपर इतना कॉन्फिडेंस होना चाहिए कि मैंने सही बोला या गलत बोला क्योंकि मैंने जान बुझ के ऐसे बोला कि कितने बच्चे बिलीव करते हैं क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन और तुम लोगों को अगर सीएम एंड गवर्नर याद नहीं है तो थोड़ी शर्म करो अपने ऊपर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वन सभी का आंसर ए एंड इज द करेक्ट आंसर कैलिफोर्निया में है। ट्वेंटी टू हुआ अमक द फॉलोइंग विल बी हेड हेडेड हेल्थ इंश्योरेंस एडवाइजरी कमेटी बाय इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट ऑथॉरिटी आई आर डी ए ए सुभाष चंद्र खुंतिया बी नचिकेत मोर सी ए के चंद एंड डी बी के मोहान्ती भास्कर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करो टेलीग्राम की आईडी आपको मिल जाएगी मेरी आईडी नहीं है वो अन अकेडमी की आईडी होती है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी टू सभी का आंसर ए एंड ए इज़ द करेक्ट आंसर सुभाष चंद्र खुंतिया और आई का हेड क्वार्टर कहाँ पे है आई का हेड क्वार्टर हैदराबाद है हैदराबाद में आई का हेड क्वार्टर है इसे भी याद रखना

सोशल एक्टिविस्ट थे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी फोर विद विद विच ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म डिड नीति आयोग कोलैबोरेटेड टू रिवैम द वुमेन एंटरप्रेनरशिप प्लेटफॉर्म ए एमेजोन बी शॉपिफाई सी फ्लिपकार्ट एंड डी नाइका पहले भास्कर आप उस चैनल को ज्वाइन करो अपने आप आपको ग्रुप में मिल जाएगा पहले आप चैनल को ज्वाइन तो करिए डार्क लॉर्ड आप हाँ डेली अटेंड करो कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर का का हर्ष ए का है बाबा शंकर का सी हर्षिल का बी एंड करेक्ट आंसर इज सी फ्लिपकार्ट करेक्ट आंसर और आप लोग प्लीज नंबरिंग करके आंसर दो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आता आप कौन से क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो ट्वेंटी फिफ्थ विच हॉस्पिटल वॉन द कायाकल्प अवार्ड फॉर द थर्ड कॉन्जिक्यूटिव ईयर दिस टाइम किस अस्पताल ने इस बार लगातार तीसरे साल कायाकल्प पुरस्कार जीता एम्स दिल्ली बी एम्स भुवनेश्वर सी एम्स भोपाल एंड डी एम्स जोधपुर और जितने भी बच्चे न्यू आए हो सभी बच्चे एक बार इस सेशन को लाइक कर दो और आप अपने दोस्तों के बीच शेयर करो ठीक है और कल एटीन जनवरी से 2 पीएम पे मेरा प्लस बैच आ रहा है ठीक है तो जिसने भी भीअमी का सब्सक्रिप्शन नहीं लिया ले लेना और कोड आप लोग यूज करिएगा वर्षा इससे आपको टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा ट्वेंटी फिफ्थ का करेक्ट आंसर होगा बी भुवनेश्वर जिसकी भी आंसर आंसर बी है बिल्कुल करेक्ट है ट्वेंटी फिफ्थ का आंसर बी भुवनेश्वर इज द करेक्ट आंसर साहिल अगर आपको शो नहीं हो रही है तो आप अन अकेडमी का पहले जो मैंने आपको ग्रुप दिया है उसको ज्वाइन करो मैं वहां पे अपने प्रोफाइल का लिंक भेज दूंगी वहां से आप डायरेक्टली ज्वाइन कर पाओगे ठीक है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी स्कोर कार्ड ट्वेंटी ट्वेंटी फ्रेचर स्कूल वट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन ब्रेकआउट इकोनॉमीज इंडिया की रैंक बताइए क्वेश्चन नंबर छब्बीस भूमिका अगर आप इंडियन जीके के लिए किसी भी बुक को पढ़ते हो तो सारी किताब बेस्ट है बस ये है कि रट्टा मत मारना उसको पढ़ना ठीक है और जो भी बच्चे अभी किसी बच्चे ने मुझसे पूछा था इंग्लिश का ठीक है इंग्लिश में एसएससी का रिकॉर्ड है कि इंग्लिश में जो एसएससी एग्जाम देता है आपको वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट पे ही देता है ठीक है प्रीवियस ईयर आप लोग कर लो आपका इंग्लिश पूरा कंप्लीट उसी से हो जाएगा आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको समझ में आ जाएगा कि क्वेश्चन की क्या टाइप है कौन सा एरर आता है कहाँ पे क्या करना होता है वो केवल आपका प्रीवियस ईयर से इंग्लिश आपका कंप्लीट हो जाएगा कहने को तो एस आपका पूरा प्रीवियस ईयर से ही कंप्लीट हो जाता है बस अभी एक दो साल से कुछ चेंजेस आ गए हैं तो इंग्लिश के लिए तो खास करके आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करो क्वेश्चन नंबर छब्बीस छब्बीस का करेक्ट आंसर डी ठीक है मुझे लगा टोटल का पूछ रहा है वैसे ओवरऑल में फोर्थ था और वैसे सेकंड पोजीशन पे है ठीक है ओवरऑल में फोर्थ था वैसे सेकंड पोजीशन पे है फर्स्ट पेज में टॉप किसने किया है ब्रेकआउट इकोनॉमी में चाइना ने और सेकंड पे है इंडिया क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन सादिक जाफरोव हैज वोन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शन ऑफ विच कंट्री ए तजाकिस्तान बी उज्बेकिस्तान सी किर्गिस्तान एंड डी अफगानिस्तान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी सेवन नवोदय का सिलेबस मैं कैसे सिखाऊं मुझे नवोदय का सिलेबस खुद ही नहीं पता भास्कर आप टेंशन मत लो आपको मिल जाएगा ठीक है

नंबरिंग करके ही आंसर देना जैसे अभी दे रहे हो ट्वेंटी एट का बिस्केक बिल्कुल करेक्ट आंसर बिस्केक इज द कैपिटल ऑफ किर्गिस्तान ट्वेंटी एट का सारे बच्चे ए दे रहे हो आंसर बट केवल हर्षिल का आंसर ठीक आया बी हर्षवर्धन इज द करेक्ट आंसर हर्षवर्धन ने लॉन्च किया है नंबर बीन द फर्स्ट आइस क्लाइंबिंग फेस्टिवल हेल्ड निम्नलिखित में से कहा पहली बर्फ चढ़ाए त्यौहार आयोजित किया गया ए मनाली में बी लद्दाख में सी लेह में डी नैनीताल में ट्वेंटी नाइन्थ ट्वेंटी नाइन्थ ट्वेंटी नाइन्थ का हिमांशु भट्ट का लेह आया साहिल का ले एंड ले इज द करेक्ट आंसर ठीक है ले में हुआ है क्वेश्चन नंबर थर्टी फॉलोइंग बीच स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू डेवलप चंद्रभागा एंड तलसारी बीच कहाँ पे है ये बीच ये तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए ए केरला बी उड़ीसा सी कर्नाटका एंड डी महाराष्ट्र क्वेश्चन नंबर थर्टी राजवीर अभी मैंने टोटल वन ट्वेंटी क्वेश्चन हैं लेकिन अगर क्लास ज्यादा लंबी चलेगी तो मैं जल्दी खत्म कर दूंगी ठीक है मैं आशीष रोज नौ बजे लाइव आती हूँ थर्टी का सभी बच्चे का आंसर बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर चंद्रभागा बीस से एक चीज याद रखना आप लोग जो अभी नाइन्थ इंटरनेशनल सैंड डॉट फेस्टिवल इंटरनेशनल सेंड आर्ट फेस्टिवल हुआ जो नाइन्थ एडिशन था सैंड आर्ट फेस्टिवल वो कहाँ पे हुआ उड़ीसा में हुआ चंद्रभागा बीच पे इसके अलावा उड़ीसा में थर्टी फर्स्ट थर्टी फर्स्ट कोणार्क डांस फेस्टिवल भी हुआ है ठीक है डांस फेस्टिवल भी उड़ीसा में ही हुआ है और उड़ीसा के सीएम कौन है नवीन पटनायक उड़ीसा के सीएम कौन है नवीन पटनायक एंड गवर्नर कौन है बताइए गवर्नर कौन है उड़ीसा के इसके अलावा एक और चीज याद रखना कि उड़ीसा में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है राउरकेला में उड़ीसा के राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम बन रहा है इसको बनाने का जो मेन उद्देश्य है वो क्या है कि 2023 में 2023 में इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा ठीक है इंडिया हॉकी वर्ल्ड कप होस्ट करेगा 2023 का इसीलिए ये आपका बनाया जा रहा है राउरकेला में इंडिया का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम गणेशी लाल बिल्कुल करेक्ट आंसर है गणेशी लाल है ठीक है और बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में बीजू पटनायक टेक्निकल यूनिवर्सिटी में ये हॉकी स्टेडियम बनाया जा रहा है और बीजू पटनायक कौन है आपके नवीन पटनायक जो सीएम है अभी करेंट उनके फादर का नेम है थर्टी फर्स्ट नेम द इंडिया इंडिजिनियसली डेवलप्ड नाइन ए एम मशीन पिस्टल बाई डी आर डी ओ इंडियन आर्मी एंड इंडियन आर्मी ए निर्वाणा बी तनिष्क सी आसमी एंड डी भीमा नहीं राउरकेला केला मिथिलेश ओडिशा में है अजीत का थर्टी वन का आसमी अक्षय का आसमी एंड आसमी इज द करेक्ट आंसर आसमी ही करेक्ट आंसर होगा और डीआरडीओ कहां पे है न्यू दिल्ली में डीआरडीओ का हेडक्वार्टर कहां पे है न्यू दिल्ली में

वहीं पे अभी नोवाज इंटरनेशनल अंतरराष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल मनाया गया था ठीक है फेमस बीच है वो उड़ीसा का और क्वेश्चन नंबर थर्टी टू का सभी बच्चों का आंसर सी है रोशन सिंह का आंसर ए आ रहा है एंड दीप, दीप सेन का ए है एंड ए इज द करेक्ट आंसर ए इसका करेक्ट आंसर होगा इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक आप सभी जानते होंगे कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक कब लॉन्च हुआ था 2018 में लॉन्च हुआ था ठीक है और इसको लॉन्च किसने किया था नरेंद्र मोदी ने लॉन्च किया था और आपके लिए इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के अभी नए एमडी बने हैं और इसके नए एमडी कौन बने हैं अभी इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के वेंकटरामू जे वेंकटरामू जे वेंकटरामू इसके नए एम बने हैं इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के इसके अलावा इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक से रिलेटेड एक और न्यूज याद रखना कि इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्लस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक प्लस डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक पे ऐप लॉन्च किया है जिसका नाम है डाक पे आपसे अगर पूछा जाए कि डाक पे को किसने लॉन्च किया तो इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ने लॉन्च किया किसके साथ मिलकर के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ मिलकर के क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह हैज फर्स्ट ड्राइवर लेस मेट्रो कार फॉर विच सिटी ए कोलकाता बी बेंगलुरु सी न्यू दिल्ली एंड डी मुंबई सैनिक सैनिक स्कूल स्कूल का मुझे नहीं मालूम। मैं में थोड़ी ना पढ़ी हूँ जो मुझे पता होगा आपको भूपेंद्र इसकी पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के चैनल पे टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है क्वेश्चन नंबर थर्टी थ्री हर्शिल का बी सी ए सभी का बी और सी आ रहा है केवल हरिकेश मीना का आंसर ठीक आया डी हरिकेश मीना का आंसर केवल ठीक आया है मुंबई इज द करेक्ट आंसर

सहयोग के लिए किस देश के साथ भागीदारी की है क्वेश्चन नंबर न्यू दिल्ली में में जो मेट्रो है है उसको किसने किसने लॉन्च किया किस किया किया स्टार्ट था पीएम नरेंद्र मोदी ने मुंबई राजनाथ सिंह ने क्वेश्चन नंबर सभी का आंसर बी जापान एंड जापान इज द करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर है ए त्रिपुरा बी उड़ीसा सी आंध्र प्रदेश एंड डी केरला इसमें से आठवा कौन सा स्टेट बन चुका है थर्टी फिफ्थ ये तो कल भी करवाया था आप लोगों को थर्टी फोर्थ का बच्चे ज्योति का बी है एंड बी इज द करेक्ट आंसर उड़ीसा बन चुका है एट्थ पूछा है मैंने सेवेंथ नहीं पूछा एट्थ पूछा है स्टेट पूछा है आपका सेवेंथ स्टेट बना था क्वेश्चन नंबर थर्टी फिफ्थी फिफ्थ जिसका भी आंसर डी है बिल्कुल केरला ठीक है आठवा कौन बना है केरला बना है अगर सेवन पूछता तो उड़ीसा और सिक्स पूछता तो आता राजस्थान छठा कौन बना राजस्थान चार लिखे हैं पांचवा ये है और बाकी तीन कौन से हैं आपको सारे के नाम बताए थे ना एक हो गया तेलंगाना एक हो गया तमिल एक हो गया आंध्र प्रदेश और एक हो गया एमपी ये आठ स्टेट है टोटल त्रिपुरा उड़ीसा, आंध्र आंध्र प्रदेश, केरला, प्रदेश आ चुका है आपका राजस्थान तेलंगाना तमिलनाडु एमपी और एक और कौन सा स्टेट है फॉलोइंग नेम्ड दू एस एड एजेंसी बाय रिसेंटली इलेक्टेड प्रेसिडेंट जो बिदेन मध्य प्रदेश वरुण चार बजे आपके रैंडम करंट अफेयर्स होते हैं जनवरी से लेकर के दिसंबर के जितने भी मिक्स आपके क्वेश्चन होते हैं इंपॉर्टेंट वो सारे मैं आपको चार पचपन पे करवाती हूँ ठीक है और अभी मैं आपको डेली वाले करवाती हूँ लेकिन आज मैं आपको वीकली करवा रही हूँ जो अभी पिछले हफ्ते की पूरी न्यूज है क्वेश्चन नंबर थर्टी सिक्स का सभी का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर बी करेक्ट आंसर है बिल्कुल आप सभी का आंसर ठीक है

और मैं वैसे भी जल्दबाजी में लिखती हूँ मैं गलत बहुत बारी लिखती हूँ बस आपके दिमाग में आना चाहिए कि ये, ये करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर टू डे प्रारंभ स्टार्टअप इंडिया इंटरनेशनल समिट ए मुंबई बी चेन्नई न्यू दिल्ली एंड डी सूरत भास्कर मिल गया क्वेश्चन नंबर थर्टी एट थर्टी एट का बताइए अमित तिवारी का सी दिनेश का बी सुमित का डी आशुतोष का बी हर्षिल का भी सी और बच्चे बताओ जल्दी क्वेश्चन नंबर थर्टी एट का बी और सी बहुत बच्चे दे रहे हैं फाइनल आंसर क्या होगा तो जिस भी बच्चे का आंसर सी है बिल्कुल करेक्ट है ठीक है सबसे ज्यादा बच्चों ने इसमें बी और सी बोला है तो करेक्ट आंसर इसमें न्यू दिल्ली है क्वेश्चन नंबर टोटल आउटले फॉर प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना गवर्नमेंट ऑफ़ ए सुनील का ए का ए ए एंड इज द करेक्ट आंसर जिस भी बच्चे का ए है बिल्कुल ठीक है क्वेश्चन नंबर अमंग द फॉलोइंग हैज बीन एन एग्रीमेंट बिटवीन इंडिया एंड कंट्री फॉर साइंटिस्ट साइंटिफिक एंड टेक्निकल कोऑपरेशन क्वेश्चन नंबर फोर्टी मनीष आपको पीडीएफ डेली मिलती है आपको वो बोलने की जरूरत नहीं है बस आप टेलीग्राम का ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए जो इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स है उसको जाके चेक करो वहाँ पे आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा क्वेश्चन नंबर 40 40 का बी विकास का सी सचिन का सी एंड सी इज द करेक्ट आंसर यूएई यूएई इज द करेक्ट आंसर फर्स्ट हु विल हेड द कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर फॉर्मड बाय आरबीआई टू फर्दर स्ट्रेंथेन सुपरविजन ओवर रेगुलेटेड एंटिटीज विनियमित संस्थाओं पर प्रेविक्शन और मजबूत करने के लिए आरबीआई द्वारा गठित कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर का नेतृत्व कौन करेगा ये वायरल आचार्य अभी महेश कुमार जैन सी माइकल पात्रा एंड डी विश्वनाथन राम राम अमित क्वेश्चन नंबर फर्स्ट फर्स्ट का हर्षिल का डी है और उमेश का डी है एंड डी इज द करेक्ट आंसर इसको कौन हेड करेगा एन एस विश्वनाथन जो कि फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे कौन थे ये फॉर्मर डेप्यूटी गवर्नर थे आरबीआई आरबीआई के और इनकी जगह आप में नया चौथा गवर्नर कौन बन गया एम राजेश्वर राव एम राजेश्वर राव अभी आरबीआई में इनकी जगह आ गए इसके अलावा यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है कॉलेज ऑफ सुपरवाइजर ठीक है सीओ एस की जगह लिखा रहता ए ए सी तो भी इसका आंसर यही होता ए का मतलब क्या होता है अगर यहाँ पे सीओ एस की जगह भी लिखा रहता तो भी आंसर एनएस विश्वनाथन ही होता क्वेश्चन नंबर सेकंड विच बैंक विद आई आई टी कानपुर टू लॉन्च As its campaign, at its Rajvira, आपका होगा, मैंने मना नहीं किया लेकिन अगर मैं यहाँ पे 170 बच्चों के कमेंट पढ़ने लग जाऊंगे तो मुझे एक क्वेश्चन को कंप्लीट करने में कम से कम 170 का आधा टाइम ले लो उतना टाइम लगेगा ठीक है 85 फाइव मिनट्स लगेंगे एक क्वेश्चन पे हाँ भास्कर अगर आपके कुछ डाउट्स होते हैं तो मैं आपको वो आंसर कर देती हूँ सेकंड का बताइए सेकंड सेकंड का सभी का आंसर बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर पंजाब नेशनल बैंक ठीक है पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेट किया है आईआईटी कानपुर प्लस फर्स्ट के साथ आईआईटी कानपुर प्लस फर्स्ट के साथ पंजाब नेशनल बैंक ने कोलैबोरेशन किया है पंजाब नेशनल बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है एंड इसके अभी एमडी कौन है एस एस अर्जुन एस एस अर्जुन इसके अभी एमडी है करण बाजवा बी अंशु प्रकाश सी संदीप पटेल एंड डी पुनीत चंदोक अंकित कोई बात नहीं लोगों की चॉइस होती है वो लाइक करे या डिसलाइक करे ठीक है जिसको अच्छा लगेगा वो अपने आप लाइक करेगा जिसको नहीं लगेगा वो डिसलाइक करेगा बहुत कुछ जिनको पता नहीं रहता उनको मैं याद दिलवा दूंगी कि आपको लाइक करना है तो वो लाइक कर देंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड का सभी बच्चों का आंसर ए एंड ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है करण बाजवा ठीक है पहले ये गूगल इंडिया को लीड करते थे लेकिन अब ये किसको लीड करेंगे गूगल क्लाउड एशिया पैसेफिक को पहले ये गूगल क्लाउड इंडिया को लीड करते थे लेकिन अब ये गूगल क्लाउड एशिया पैसिफिक को लीड करेंगे क्वेश्चन नंबर फोर्थ डैश हैज बीन अपॉइंटेड ब्रिटिश हाई कमिश्नर टू इंडिया ए फिलिप बार्टन बी एलेक्सेंडर एलिस सी आर्चवाल एडवर्ड एंड डी मैलकॉम मैकडोनल्ड हा अमित पीएनबी एन बी का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है क्वेश्चन नंबर हाँ गूगल के सीईओ है सुंदर पिचई एंड माइक्रोसॉफ्ट के है सत्या नडेला जो बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज्ड होते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ वो बताते हैं बिल गेट्स तो बिल गेट्स नहीं है सत्या नडेला है क्वेश्चन नंबर फोर्थ फोर्थ का सभी बच्चों का आंसर है सी और सी आपका आंसर बिल्कुल गलत है करेक्ट आंसर इज बी एलेक्सेंडर एलिस है नए ब्रिटिश हाई कमिश्नर इन्होंने रिप्लेस किसको किया फिलिप बार्टन को ये फिलिप बार्टन की जगह आए हैं पहले कौन थे फिलिप बार्टन थे लेकिन आप नए कौन है एलेक्सेंडर एलिस सेकंड का बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर फोर्थ का क्वेश्चन नंबर फिफ्थ नेम द इंडियन अमेरिकन हु हैज टेकन ओवर एज द फर्स्ट चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर टू द यूएस आर्मी ए प्रमोद खारगोनेकर बी रेणुकाटोर सी राज अय्यर एंड डी दिनेश जिसूजा क्वेश्चन नंबर फिफ्थ फोर्थ का फिफ्थ का पूछा है जल्दी जल्दी आंसर करो वरना बहुत टाइम लग जाएगा क्वेश्चन है टोटल अंकित मेरा क्वेश्चन ना हार्ड है ना इजी है मेरा वही क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में आएगा टू द पॉइंट क्वेश्चन है और यही क्वेश्चन इसी तरीके से आपके एग्जाम में आएगा एक आधी वर्ड्स का आगे पीछे हो सकता है बाकी यही क्वेश्चन आएगा आपके

जी किशन रेड्डी को सी अजय कुमार भल्ला को डी के चंद्रशेखर राव को क्वेश्चन नंबर सेवेंथ अंकित फिर सब्सक्रिप्शन ले लो एयरफोर्स वाला अतुल प्लस कोर्स आपका कल एटीन जनवरी है ना कल टू पीएम से आपका प्लस कोर्स लॉन्च हो रहा है ठीक है सभी का सेवेंथ का ए तो जिसने भी ए और डी दिया है उनका आंसर बिल्कुल गलत है करेक्ट आंसर इज बी जी किशन रेड्डी जी किशन रेड्डी इज द करेक्ट आंसर और जी किशन रेड्डी कौन है आपके मिनिस्टर ऑफ स्टेट है होम अफेयर्स में होम अफेयर्स में ये मिनिस्टर ऑफ स्टेट है जी किशन रेड्डी क्वेश्चन नंबर एट बीन अपॉइंटेड एज द चीफ जस्टिस ऑफ गुवाहाटी हाई कोर्ट हरीश सालवे बी अभय मनोहर सापरे सी के एस पी राधा कृष्णा सुधांशु धोलिया क्वेश्चन नंबर एट क्वेश्चन नंबर एट का बताओ मुकेश जो टाइम टेबल है वो मेरी क्लास होती है मंडे टू फ्राइडे स्पेशल क्लास अन अकेडमी के ऐप पे फोर फिफ्टी फाइव पीएम मंडे टू फ्राइडे फोर फिफ्टी फाइव ये स्पेशल क्लास है जो कि फ्री क्लास होगी इसके अलावा कल से यानी कल से टू पीएम पे मंडे टू फ्राइडे टू पी एम पे मेरा कौन सा क्लास चलेगा प्लस टू फ्राइडे टू पी एम प्लस इसके अलावा यूट्यूब की अभी आप देख रहे हो और सैटरडे और संडे को दो क्लासेस होती है स्पेशल पे एक तो एक पचपन पे और एक होती है चार पचपन पे क्वेश्चन नंबर एट ए सभी बच्चे का डी

और बाय चांस अगर नहीं मिलता है तो आप सर्च कर लेना टेलीग्राम पे लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम जो आप लेट्स लिखोगे ना वो एपोस्ट्रोफ एसस में यूज करना लेट्स क्रैक एसएससी एग्जाम क्वेश्चन नंबर नाइन्थ का 8th का सभी का डी नाइन्थ का पूछा है ना नाइन्थ का ए बिल्कुल आंसर, करेक्ट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर रवि शास्त्री क्वेश्चन नंबर जस्टिस हेमा कोहली हैज बिकम द फर्स्ट टू एज द चीफ जस्टिस ऑफ विच हाईकोर्ट ए मध्य प्रदेश बी आसाम सी तेलंगाना डी छत्तीसगढ़ क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर टेंथ

इसमें मैं आपकी क्या हेल्प कर सकती हूँ ठीक है वो आपको खुद ही अपने घर का घर के हालात देखने चाहिए अपने पापा मम्मी सबको देखना चाहिए फिर आपको सोचना चाहिए कि आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है ठीक है ये फालतू का मेरे ज्ञान देने से आप में या किसी के अंदर कोई चेंज नहीं आएगा जो भी चेंज आएगा आपके अंदर वो आपके खुद के कारण आएगा मैं कुछ भी ज्ञान दे दूंगी ऐसा तो है नहीं कि आप फॉलो कर लोगे या सब कोई फॉलो कर लेंगे सब अपनी मर्जी से चलते अपनी मर्जी से चल रहे हैं क्वेश्चन नंबर इलेवन सभी का आंसर ए

चाहे आप किसी भी फ्री क्लास में एनरोल करते हो कोई सा भी सब्सक्रिप्शन लेते हो किसी भी में, में, किसी भी भी लाइव क्विज़ में 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 चीज़ पार्टिसिपेट करते हो आपको कोड वर्षा यूज करना है क्वेश्चन नंबर द ओल्डेस्ट लिविंग फर्स्ट क्लास क्रिकेटर एलन बुर्गस एंड डी न्यूजीलैंड क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ क्वेश्चन नंबर ट्वेल्थ ट्वेल्थ का आंसर सभी का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर न्यूजीलैंड रितेश दुबे मुझे नहीं पल, पता होती है या नहीं होती है लेकिन शायद उनकी हो नहीं रही थी अब दोबारा से स्टार्ट हो गई है मैं कंफर्म नहीं हूँ एक बार आप चेक कर लेना क्वेश्चन नंबर थर्टीन अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट रिलीज बाय द नेशनल कितनी बार पूछ रहे हो मैंने बता तो दिया एस एस सी जी डी की तैयारी होती है लेकिन उसके लिए आपको प्लस लेना पड़ेगा लर्निंग एप को इंस्टॉल करिए और वहां पर जाकर आप प्लस में इनरोल कर लो क्वेश्चन नंबर अभी परसों ही तो पढ़ाया था <laughs> आंसर इज बी 7.7 7.7 इज द करेक्ट आंसर और ये 7.7 माइनस में है इसको भी याद रखना अभी जितना भी ये जीडीपी प्रोज, जीडीपी प्रोजेक्शन हो रहा है वो सब माइनस में आता है मालूम है ना अभी इकोनॉमी माइनस में जा रही है क्वेश्चन नंबर 14th इन जनवरी 2021 द सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्ड न्यू नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट वर्थ रुपीज फाइव एट जीरो वन करोड़ रुपीज फॉर विच स्टेट ए महाराष्ट्र बी केरला सी झारखंड एंड डी बिहार क्वेश्चन नंबर चौदह आनंद अगर आपको मैथ रीजनिंग नहीं आती है तो अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हो तो मैथ में आप दो चार टीचर से पढ़ के देखो जिसका आपको सबसे ज्यादा समझ में आए आप उसको फॉलो कर लेना लेकिन अगर आप मेरे से पूछोगे तो मैं आपको गाइड कर सकती हूँ कि राहुल देशवाल सर है मैथ के. राहुल सर, मैथ के लिए, के लिए, रानी मैम रानी सिंह मैम आप पढ़ के देखिएगा अगर आपको अच्छा लगे तो आप कंटिन्यू कर लेना क्वेश्चन नंबर फोर्टीन का सभी का महाराष्ट्र महाराष्ट्र इज द करेक्ट आंसर और आपके एन चेयरमैन कौन है नेशनल हाईवे ऑथोरिटी ऑफ इंडिया के चेयरमैन कौन है ये भी याद रखना क्योंकि अभी अभी इनको छह महीने का एक्सटेंशन मिला है NHAI के चेयरमैन को अभी छह महीने का एक्सटेंशन मिला है सुखबीर सिंह सांधु सुखबीर सिंह सांधु और NHAI का हेडक्वार्टर कहाँ पे है न्यू दिल्ली में है और ये स्टैब्लिश कौन से हुआ था नाइनटीन एटी हुआ था

आलोक अगर आपको जीएस तैयार करना है रिसेंटली कोई एग्जाम है तो मनोहर पांडे पढ़ लो वैसे आप रेगुलर अगर आप अभी बिगनर हो तो आप लूसेंट पढ़ो और साथ ही साथ प्लस कोर्स ले लो जब इतना खर्चा करते हो तो पाँच छह हजार का सब्सक्रिप्शन पे क्यों नहीं कर सकते हो तो प्लस ले लो ताकि एक प्रॉपर वे में पढ़ाई हो आप लोगों की फिफ्टींथ का सभी का डी एंड डी इज द करेक्ट आंसर जो भी बच्चे सी बोल रहे हो उनका आंसर गलत है डी करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन इंडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज द हेड ऑफ द डैश इंपॉर्टेंट कमिटी ऑफ द यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ए फोर बी थ्री सी टू एंड डी सिक्स सचिन डेली क्लास आपकी केवल एक घंटे की होती है आज वीकली करंट अफेयर रिवीजन है इसलिए क्लास लंबी चल रही है लेकिन ज्यादा अगर लेट होगा तो मैं क्लास ऑफ कर दूंगी बीच में क्वेश्चन नंबर सिक्सटीन आंसर इज सभी का डी आ रहा है करेक्ट आंसर इज थ्री तीन इंपॉर्टेंट कमेटी का बना है ना कि छह कमेटी का क्वेश्चन नंबर सत्रह अमंग द फॉलोइंग विच कंट्री हैज एबॉलिश द डेथ पेनल्टी रिसेंटली ए पाकिस्तान बी अफगानिस्तान सी उज्बेकिस्तान एंड डी कजाकिस्तान

आनंद कुमार मिश्रा मैंने कहा तो है जिसका अभी हाल फिलहाल में एग्जाम है वो मनोहर पांडे एक बार पढ़ लो ठीक है और एग्जाम देने के बाद बिना टाइम वेस्ट किए प्लस का सब्सक्रिप्शन ले लो ताकि प्रॉपरली आपकी पढ़ाई हो डिटेल वे में और आप मॉक टेस्ट भी लगाओ ताकि आपके मार्क्स इंप्रूव हो क्वेश्चन नंबर एटीन का सभी बच्चों का ए और बी और सी ए बी सी तीनों ही यूनिवर्सिटी पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रही है करेक्ट आंसर इज बी लखनऊ यूनिवर्सिटी ठीक है लखनऊ यूनिवर्सिटी अपने स्टूडेंट्स के लिए पार्ट टाइम जॉब ऑफर कर रही है ठीक है जिसमें वो मैक्सिमम एक दिन में दो घंटे ही काम कर सकते हैं और अपने एकेडमिक ईयर में केवल वो फिफ्टी डेज काम कर सकते हैं क्वेश्चन वीरेंद्र कुमार पॉल चाइना बी सोमालिया सी इटली एंड डी फिर से चाइना हो गया इसको आप रशिया कर लो क्वेश्चन नंबर नाइनटीन क्वेश्चन नंबर नाइनटीन नाइनटींथ का सभी का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर और जिस भी बच्चों का आंसर नूर सुल्तान है तो नूर सुल्तान उनका करेक्ट आंसर है अब कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है नूर सुल्तान क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी विच स्टेट यूनियन टेरिटरी लॉन्च द सतर्क नागरिक मोबाइल ऐप विद रिलेशन टू करप्शन ए यूपी बी वेस्ट बंगाल सी जम्मू एंड कश्मीर एंड डी बिहार सौरभ आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम के चैनल पे मिलेगी टेलीग्राम के चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेक करके चैनल को ज्वाइन कर लो क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी का सभी बच्चे ए आंसर दे रहे हो मतलब पढ़ाने के बाद भी तुम लोग ए और बी पे अटके हो करेक्ट आंसर सी जम्मू और कश्मीर ने ये ऐप लॉन्च किया है ठीक है और जम्मू एंड कश्मीर के अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है मनोज सिन्हा मनोज सिन्हा इन्होंने किसको रिप्लेस किया गिरीश चंद्र मुर्मू को जो कि अभी फिलहाल कौन है कैग है कंट्रोलर ऑडिटर जनरल क्वेश्चन नंबर फर्स्ट अमंग दिच कंट्रीज टेन इज फर्स्ट का अरे भाई तुम लोग इतना कॉपी पेस्ट क्यों करते हो जिसको जो करना होगा वो अपने अकॉर्डिंग कर लेगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट सभी का बी एंड बी इज द करेक्ट आंसर स्लोवाकिया की है ठीक है और इन पे मैच फिक्सिंग का आरोप लगा था जिनो जिनको इन्होंने एक्सेप्ट कर लिया कि हाँ इन्होंने मैच फिक्सिंग की थी इसीलिए इनको 12 साल के लिए बैन किया गया है क्वेश्चन नंबर सेकंड व्हेन इज वर्ल्ड हिंदी डे ऑब्जर्व ग्लोबली ए सेकंड सैटरडे ऑफ जनवरी बी नाइन्थ जनवरी सी टेंथ जनवरी एंड डी एट्थ जनवरी क्वेश्चन नंबर सेकेंड क्या हाँ, गिरीश चंद्र मुर्मू है और जितने भी बच्चे न्यू आए हो प्लीज आप लोग एक बार वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना आप सभी क्वेश्चन नंबर सेकंड सेकंड का सभी का बी अगर बी आप लोग नौ जनवरी को हिंदी डे मनाओगे तो एनआरआई डे कब आएगा नौ जनवरी एनआरआई डे होता है और दस जनवरी हिंदी डे ठीक है सी इज द करेक्ट आंसर टेंथ जनवरी सी करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर थर्ड अमंग द फॉलोइंग विच कंपनी हैज रिसेंटली पार्टनर्ड विद सिडबी टू फंड स्मॉल स्केल रूफटॉप सोलर सिस्टम ए एनटीपीसी बी टाटा पावर सी अडानी ग्रुप एंड डी रिलायंस ग्रुप ठीक है आ देते हैं तो अब लास्ट सेवेंटीन क्वेश्चंस हैं वो आप जल्दी जल्दी आंसर दो फिर क्लास ऑफ हो जाएगी आसाराम अगर आप क्लास बंद करने के लिए कह रहे हो तो तीसरे क्वेश्चन पे तो बंद नहीं करूंगी बीस क्वेश्चन होंगे तो बंद करूंगी अगर आपको लेट हो रहा है या आपको कुछ और काम है तो आप जा सकते हो वो आपकी चॉइस है क्वेश्चन नंबर थर्ड थर्ड का डी डी कब से हो गया करेक्ट आंसर इज बी टाटा पावर टाटा पावर ने सिडवी के साथ कोलैबोरेशन किया है जिसमें वो एमएसएमई के जितने भी है जो भी एमएसएमई के अंदर आते हैं लोग उनको वो फाइनेंशियली सपोर्ट करेगा सिडबी क्या है स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है लखनऊ में लखनऊ में इसका हेडक्वार्टर है सिडबी का क्वेश्चन नंबर फोर्थ अमंगी रिपीट हो गया फिफ्थ विच ई कॉमर्सोर ऑफ अंडरस्टैंडिंग विदजिस्टिक स्किल सेक्टर काउंसिल टू बिल्ड अड एंड ट्रेन वर्क फोर्स फॉर द फास्ट ग्रोइंग ई कॉमर्स इंडस्ट्री इन इंडिया क्वेश्चन नंबर फिफ्थ उनकी चॉइस है इसलिए वो पूछ रहे हैं इसमें मैं भी कुछ नहीं कर सकती फिफ्थ करेक्ट आंसर इज सी जिसका भी आंसर सी है बिल्कुल ठीक है फ्लिपकार्ट इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर सिक्स द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज डिसाइडेड टू ऑफर खादी क्लोथ्स टू ग्रेट फोर एम्प्लॉयज ए आसाम बी उत्तराखंड सी मणिपुर एंड डी दिल्ली तो इसका करेक्ट आंसर कौन क्या होगा आसाम ठीक है आसाम स्टेट गवर्नमेंट अपने ग्रेट फोर एम्प्लॉयज को जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ है उनको खादी क्लोथ्स प्रोवाइड कर रही है

दिनेश कुमार खड़ा इसके नए चेयरमैन बने हैं और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ पे है मुंबई में है एक्सिस बैंक का आईसीआईसीआई बैंक का कहाँ पे है मुंबई में है बैंक ऑफ बड़ौदा का गुजरात में है एक्सिस बैंक के अमिताभ चौधरी है बैंक uh, के संदीप बख्शी है और बैंक ऑफ बड़ौदा के संजीव चड्डा है एमडी क्वेश्चन नंबर टेंथ वट इज द टर्म ऑफ एमओ यू साइन बिटवीन आई आरई डी एंड एन एच पी सी टू प्रोवाइड टेक्निकल असिस्टेंस फॉर ग्रीन एनर्जी प्रोजेक्ट क्वेश्चन नंबर टेंथ टेंथ का क्या होगा आंसर बी फाइव इयर्स के लिए हुआ है ये कॉन्ट्रैक्ट क्वेश्चन नंबर इलेवन अमंग द फॉलोइंग हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द फर्स्ट डेप्यूटी जनरल सेक्रेटरी ऑफ ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ए डॉक्टर राज अयर बी अभिषेक यादव सी सुमंत गौतम एंड डी आशीष पेठे क्वेश्चन नंबर इलेवन क्वेश्चन नंबर इलेवेंथ का क्या होगा करेक्ट आंसर बी अभिषेक यादव ठीक है बी इज द करेक्ट आंसर अभिषेक यादव क्वेश्चन नंबर अमंग द द फॉलोइंग स्टेट स्टेट गवर्नमेंट हैज एंटायर एज अ कंट्रोल्ड एरिया ए उड़ीसा बी गुजरात सी कर्नाटका एंड डी पंजाब किस स्टेट ने पूरे एरिया पूरे स्टेट को कंट्रोल एरिया घोषित कर दिया है तो करेक्ट आंसर इज डी पंजाब ने किस वजह से बर्ड फ्लू की वजह से ठीक है जिसका नाम क्या है एवियन एवियन इन्फ्लुएंजा

क्या होगा थर्टींथ का आंसर ए आंध्र प्रदेश ठीक है ए इज द करेक्ट आंसर आंध्र प्रदेश इसका करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर फोर्टीन वेयर इज हेडक्वार्टर ऑफ आई मार्केट सिचुएटेड ए लंडन बी रोम सी पेरिस एंड डी न्यूयॉर्क क्वेश्चन नंबर फोर्टीन मुझे जल्दी नहीं जाना है एक्चुअली आप लोगों को जल्दी जाना है इसलिए मुझे जल्दी जल्दी करवाना पड़ रहा है क्वेश्चन नंबर फोर्टीन करेक्ट आंसर इज ए लंडन लंडन यूके में है विक्की कुमार हाय महेंद्र राम धीरे धीरे करवाऊं क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन अमंग द फॉलोइंग हु इज रिसेंटली लॉन्च द डिजिटल कैलेंडर एंड डायरी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ए नरेंद्र मोदी बी राजनाथ सिंह सी श्री प्रकाश जावड़ेकर एंड डी अमित शाह क्वेश्चन नंबर फिफ्टीन करेक्ट आंसर इज सी प्रकाश जावड़ेकर फिफ्टीन का आंसर सी होगा करेक्ट

थ का सभी का बी एंड बी करेक्ट आंसर मेरी गार्डेंड इज द करेक्ट आंसर क्वेश्चन इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया इंटरनेशनलाइज डोमिन नेम आइडिया इन हाउ मेनी इंडियन लैंग्वेज अलॉन्ग विदरी आई एंड डोमिन बुकड बाई द रजिस्ट्रेंट ए ट्वेंटी टू बी ट्वेंटी फाइव सी ट्वेंटी सिक्स कर लो क्वेश्चन नंबर सेवेंटींथ

एटींथ का सभी बच्चों का मणिपुर आ रहा है एंड मणिपुर इज द करेक्ट आंसर ठीक है मणिपुर बिल्कुल करेक्ट आंसर है आप सभी का क्वेश्चन नंबर नाइनटीन पी के पुरवर हैज बिन रीअपॉइंटेड एज द चेयरमैन एंड एम डी ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग ए बी एस एन एल बी जी ओ सी एम टी एन एल एंड डी टाटा स्काई क्वेश्चन नंबर नाइनटींथ नाइनटींथ का आंसर जल्दी से बताओ नंबरिंग करके देना आंसर और जो भी बच्चे लाइव है जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो कम से कम पांच सौ लाइक लोग कंप्लीट कर दो क्वेश्चन नंबर का आंसर इज़ द करेक्ट आंसर क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी वेर इज द हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंटरनेट एक्सचेंज ऑफ इंडिया सिचुएटेड ए न्यू दिल्ली बी मुंबई सी चेन्नई एंड डी नोएडा क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी अंकित आपका आर्मी का पेपर लगा है मतलब ट्वेंटी का बताइए ट्वेंटी का राहुल का आंसर ए है ए इज द करेक्ट आंसर न्यू दिल्ली तो मैं यहीं पे क्वेश्चन कंप्लीट कर दूं सेशन ऑफ कर दूं अब क्योंकि ऑलरेडी अस्सी नब्बे क्वेश्चन तो हो ही चुके हैं मैंने कमेंट में आपको कौन से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला था साहिल आपका भी आंसर ठीक होगा लेकिन मैं सारे कमेंट नहीं पढ़ सकती मेरे लिए वो पॉसिबल ही नहीं है क्वेश्चन नंबर ट्वेंटी के बाद मैं कंप्लीट कर रही हूँ ठीक है क्योंकि बहुत सारे बच्चे इरिटेट हो चुके हैं मुझे बता दो कि कमेंट में मैंने कौन से क्वेश्चन का आंसर देने के लिए बोला था रुचि को बताना है जल्दी बताओ पीयूष आप टेलीग्राम को अगर आपको ग्रुप ज्वाइन करना है तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए वहां पे आपको टेलीग्राम के ग्रुप का लिंक मिल जाएगा इसके अलावा जो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा था मुझे वो फिलहाल खुद ही याद नहीं है उसका आप आंसर यूट्यूब पे दे देना जो बच्चा ध्यान से सुनता होगा उसको याद होगा वाटर बेस्ड मेट्रो नहीं पूछा पूछा था था कुछ और कर कर करोगे तब तक नोटिफिकेशन नहीं मिलती और टेलीग्राम का चैनल भी है लेट्स क्रैक एस एग्जाम और यूट्यूब का चैनल भी है लेट्स क्रैक एस एग्जाम तो सारे बच्चे इस चैनल से जुड़ जाओ जिसने भी अभी तक लर्निंग ऐप इंस्टॉल नहीं किया है वो कर लो और जब भी आप किसी भी ऐप जब भी आप अन अकेडमी के ऐप को इंस्टॉल करते हो किसी भी स्पेशल क्लास में एनरोल करते हो किसी भी क्विज में किसी भी कॉम्बैट में या फिर किसी भी सब्सक्रिप्शन में एनरोल करते हो तो कोड यूज करिएगा वर्षा ठीक है इससे आपको टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा हाँ मैंने ये पूछा था कि बर्ड फ्लू जो मैंने बताया था उसका नेम क्या है बताइए मैंने आपको ये बोला है कमेंट बॉक्स में कि पंजाब में जो अभी बर्ड फ्लू आया था ठीक है बर्ड फ्लू जो फैल रहा है जिसको हम एवियन इन्फ्लुएंजा भी कह रहे हैं उसका एग्जैक्ट नेम क्या है हाँ बर्ड फ्लू का नाम ठीक <laughs> है बर्ड फ्लू का नाम पूछा था तो बर्ड फ्लू का आंसर दे देना कमेंट बॉक्स में मैंने आपको अभी तीन चार दिन पहले ही बताया था

पी पे क्लास होती है डेली। अंकित ठाकुर अगर आपको सीरियसली तैयारी करनी है पढ़ाई को लेके सीरियस हो अपना इधर उधर भटक के टाइम वेस्ट नहीं करना है तो आप अपने अकॉर्डिंग जिस भी चीज की आप तैयारी कर रहे हो उसका सब्सक्रिप्शन ले लो और प्रॉपरली तैयारी करो वरना फ्री क्लास के चक्कर में रहोगे तो कभी मेरी क्लास देखोगे कभी किसी और टीचर की कभी किसी और टीचर की तो इधर उधर भटकने से अच्छा एक बार ही सब्सक्रिप्शन ले लो और एक प्लैंड वे में पढ़ाई करो जिस भी टीचर से पढ़ना है दो चार दिन आप अपना टाइम वेस्ट करो इस चीज में कि आपको किस टीचर की क्लास सबसे अच्छी लग रही है किसका सबसे ज्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है तो जिसकी भी क्लास अच्छी लगे जिसकी भी क्वेश्चन अच्छे लगे आप उससे कंटिन्यू करिए अपनी पढ़ाई को कोमल बाय ओके बाय कोमल बदगोती बाय गुड नाइट आसमा गुड नाइट आर के मैथ आर के मैथ आपकी जो सब्सक्रिप्शन की फी है देखिए सबसे पहला काम आप ये करिएगा अनएकेडमी यू एन ए सी ए डी एम वाई अनअकेडमी के लर्निंग एप को इंस्टॉल कर लो एजुकेटेड ऐप इंस्टॉल मत कर लेना अनएकेडमी का लर्निंग एप इंस्टॉल करिएगा जैसे ही आप ऐप को इंस्टॉल करेंगे उसमें आप अपने डिटेल्स को फिल कर देना डिटेल्स यानी कि फोन नंबर आपका नेम और आपकी ईमेल आईडी उसके बाद आपके पास ओ आ जाएगा आपका वो लॉग हो जाएगा लॉग करने के बाद आप अपना गोल सेलेक्ट करना ठीक थी, है तो गोल में आप चूज कर लेना एस या फिर अगर आप बैंक के स्टूडेंट हो तो बैंक चूज कर लेना रेलवे के हो तो रेलवे चूज कर लेना अगर एसएससी के हो तो एसएससी चूज कर लेना मैं तो ये कहूंगी कि अगर आप रेलवे के भी हो के भी हो एसएससी के 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 भी 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 हो किसी भी चीज़ के हो हो आईबी किसी चीज़ स्टूडेंट बैंक को इंक्लूड नहीं कर रही हूँ तो आप सीधा एक एस का सब्सक्रिप्शन ले लो क्योंकि इसमें आपका सारा कोर्स कंप्लीट हो जाता है तो एस चूज करने के बाद आप जैसे ये ऐप खुला तो यहाँ पे तीन लाइने बनी आएंगी ऐप के अंदर इस लाइन पे क्लिक करना तो आपका प्लस खुल के आएगा वहां पे लिखा होगा प्लस प्लस पे चले जाना उसके बाद गेट सब्सक्रिप्शन पे चले जाना एक या दो साल का प्लान लेना क्योंकि एक दो साल आपको तैयारी करने में लगता है तो वन ईयर का जो प्लान है वो है रुपए का और दो साल का जो प्लान है वो है आपका सेवनटी टू हंड्रेड यानी बहत्तर सौ रुपए का लेकिन जैसे ही आप मेरा नेम इंसर्ट करोगे कोड मेरा जो है वर्षा वी ए आर एस एच ए जैसे ही आप मेरा कोड इंसर्ट करेंगे आपको टेन परसेंट मिलेगा ये आपको मिलेगा फिफ्टी फोर हंड्रेड का और ये आपको मिलेगा सिक्स फोर एट जीरो का जिसकी पर मंथ कॉस्ट आपकी कितनी बैठती है चार सौ पचास रुपए महीना और इसकी पर मंथ कॉस्ट आपकी बैठती है दो सौ सत्तर रुपए महीना ठीक है इस एक सब्सक्रिप्शन के अंदर आपको कंप्लीट मॉक टेस्ट मिलेगा आपका कंप्लीट सिलेबस आपको करवाया जाएगा आप कभी भी अपनी क्लासेस ले पाओगे चाहे वो क्लासेस आपकी लाइव हो या रिकॉर्डेड हो इसके अलावा आप किसी भी टीचर से पढ़ सकते हो आप सारे सब्जेक्ट पढ़ सकते हो ठीक है तो इतना सस्ता आपको नहीं मिलने वाला अगर ऑफलाइन कोचिंग लेते तो दस बारह हजार चौदह हजार रुपया लगते तीन चार महीने का कोर्स होता एक ही बैच मिलता बाय चांस छुट्टी ले ली तो वो छुट्टी ही रह गई यहाँ पे आपके पास मौका रहता है कि आप उस चीज को दोबारा कवर कर पाओ ठीक है अब इस फिलहाल तो अभी कुछ नहीं कह सकती आप सभी को मालूम होगा कि इस बार जो भी अब एग्जाम होंगे इस वाले सीजीएल और सीएचएसएल को छोड़ के आगे जितने भी एग्जाम होंगे वो सीई बेस्ड होंगे ठीक है कॉमन एंट्रेंस टेस्ट होगा जिसमें आपके रेलवे और बैंकिंग और एस के स्टूडेंट का कम्बाइंड टेस्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपकी कट ऑफ निकलेगी ठीक है जो आप अगर एक बार प्री क्लियर करते हो तो आप तीन साल तक एलिजिबल हो कि आप मेन्स एग्जाम दे सकते हो तो उसमें आपके चांसेस ज्यादा बनेंगे रीजन इसका ये होगा क्योंकि एप्लीकेंट जैसे ही बढ़ेंगे आपका एवरेज कम हो जाएगा एवरेज जैसे ही कम होगा तो कट ऑफ डाउन जाएगी और कट ऑफ डाउन जाने के बाद अगर आप एक बारी प्री को क्वालिफाई कर लेते हो तो तीन साल के लिए कम से कम आपको प्री नहीं देना आप मेन्स देते रहो तो उसमें ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं होगा आप लोगों का तो साहिल फिर आप अपनी जीके अगर स्ट्रोंग करना चाहते हो तो मैं तो आप लोगों को गारंटी के साथ कहती हूँ कि जो मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ वो आपके एग्जाम में आएंगे और आ भी रहे हैं और बच्चे बोल भी रहे हैं और मैंने खुद भी देखा है ये सारे क्वेश्चन जितना भी मैं आपको करवाती हूँ वो आते हैं एग्जाम में ठीक है तो प्लीज आप लोग पांच लाइक कम है पांच लाइक कंप्लीट करके पा, पांच सौ लाइक कंप्लीट कर दो ठीक है तो अनअकेडमी का जो भी बच्चा सब्सक्रिप्शन लेना कोड मेरा यूज करना चाहे किसी भी फ्री क्लास में एनरोल करना तो भी कोड मेरा यूज करना कोड क्या है वर्षा मेरा नाम है वर्षा और कोड भी है वर्षा बी ए आर S H A ठीक है इसी कोड को अप्लाई करना तो आपको टेन परसेंट का ऑफ मिल जाएगा तो आज के लिए बस इतना ही था थैंक यू एवरीवन टेक केयर गुड नाइट खाओ पियो अब और जाके फिर पढ़ाई कर लेना बाय बाय टेक केयर मैं क्लास ऑफ कर रही हूँ अब चलो आप लोगों ने पाँच सौ एक कम्प्लीट कर दिए सभी को थैंक यू बाय टेक केयर और कल चार पे क्लास होगी और टू पी पे कल प्लस की क्लास होगी तो उस क्लास को भी अटेंड करिएगा